बच्चों अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यार तुमने अभी कुछ देखा था कि वाटर जब हम ले रहे होते हैं, वाटर डिसोसिएट करता है टू गिव एच प्लस एंड ओ एच माइनस। और वाटर में अगर 10 जो -8 मोलर HCl डालोगे तो वाटर का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस समझ आ रहा है कि वाटर विल नॉट डिसोसिएट दैट मच इंटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस। नॉर्मली वो 10^-7 मोलर एच प्लस, 10^-7 मोलर ओ एच माइनस दे रहा होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी एच प्लस प्रेजेंट है तो वाटर विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, 10^-7 तक नहीं जाएगा। इट विल लेस देन 10^-7। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? तो जो वाटर का डिसोसिएशन है वो क्या हो गया बच्चों? कम हो गया, राइट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन हमारा क्या था उधर? एच प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये मैं अभी लिख दूं, एडिशन ऑफ कॉमन आयन टू वीक एसिड या वीक बेस सप्रेसेस देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब अल्फा कम हो जाएगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? जो मैंने अभी लिखी है या जो मैंने बोली थी बेटा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास वाटर है, वाटर एच प्लस और ओ एच माइनस दे रहा है। अब एच प्लस ऑलरेडी हमने डाल दिया अलग से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो अब जो वाटर का डिसोसिएट होने की टेंडेंसी है वो कम हो। मतलब वाटर से जो एच प्लस आएगा दैट विल बी लेस देन 10^-7। तो वही चीज लिखी। तो वीक एसिड, पहले वीक एसिड की बात करेंगे फिर वीक बेस की बात करेंगे। वीक एसिड जैसे CH3COH या HCN, ठीक है ना बच्चों? अब हमने ये एच ए, बेसिक हमारा क्या हो गया? एच ए। हमने एच ए लिया और बी ए लिया, ठीक है ना बच्चों? बी ए इज अ सॉल्ट गाइस, बी ए इज अ कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट। ये कंप्लीटली सॉल्यूबल टर्म मैंने क्यों लिख दी, मतलब बोल दी? इसलिए क्योंकि कंप्लीटली सॉल्यूबल और स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट दो तरह के सॉल्ट होते हैं। एक जो पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं, एक जो बहुत कम डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे हम उन सॉल्ट की बात करें विच आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर बच्चे। हाँ, ब्रैकेट में एच, दीज आर एसिड। तो अब हमने क्या लिया? एच ए है वीक एसिड और बी ए है सॉल्ट कंटेनिंग द कॉमन आयन। कॉमन आयन यहाँ पे क्या है बच्चों? एच ए और बी ए में ए, ए माइनस इज द कॉमन आयन बच्चों। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ गाइस? हम कहेंगे जो बी ए है ये तो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे ये बी ए किस कौन से वाला काम कर रहा है बच्चों? एच सी एल वाला। एच सी एल वाटर में हम कहते नहीं है एच सी एल पूरा ब्रेक कर जाता है, 10^-8 H+ मैंने लिख दिया था, ये वही काम करेगा। बी ए विल गिव ए माइनस। समझ आ रहा है? नहीं है आ रहे? बी प्लस और ए माइनस देगा एंड इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट। जितना बी ए था उतना ही हमारा क्या आ गया बच्चों? ए माइनस। ये 10^-8 मोलर एच सी एल था तो 10^-8 मोलर एच प्लस आ गया था। क्लियर है बच्चों? अब इसके कारण एच ए पी का इफेक्ट पड़ेगा। हम कहेंगे भाई एच प्लस प्लस ए माइनस दे रहा है। यार यहाँ पे ए माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी देयर इज ए माइनस प्रेजेंट फ्रॉम सॉल्ट। क्लियर है गाइस? तो जो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है एच ए की वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन ए माइनस आने की वजह से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एच ए की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है। क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब एच ए अगर पहले अल्फा डिसोसिएट हो रहा था और अब अल्फा वन डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा वन और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा? पहले अल्फा डिसोसिएट हो रहा था, अब अल्फा वन डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा वन, अल्फा वन इज गोइंग टू बी लेस देन अल्फा। करेक्ट, गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? राइट, तो जरा एक्सप्रेशन देखते हैं। मैं
एक मिनट रुको बच्चों, लिखना है ठीक है बच्चों। मैंने ये लिया एम, मतलब मैं मान के चल रहा हूं से हमें दे रखा है 0.1 मोलर NaCl, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 0.1 मोलर Na प्लस होगा, 0.1 मोलर Cl माइनस होगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं ये एम मोलर ले रहा हूं तो इससे ये पूरा ब्रेक कर जाएगा, ये एम बनेगा ये एम, हाँ है ना बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज, पक्का क्लियर हो गया? वेल दैट इज नाइस। अब ए माइनस ऑलरेडी कितना है बच्चों, एम, एच ए भी डिसोसिएट भी नहीं हुआ और हमारे पास ए माइनस कितना पहुंच चुका है, एम। एच ए हमारे को सी मोलर दे रखा था, एच ए कितना दे रखा था बच्चों, तो मैं लिख दू सी माइनस एक्स एक्स एम प्लस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? थोड़ा शुभ्रांशु बेटा आवाज आ रही है? हाँ कट कट के आ रही है बीच बीच में। मुझे लग रहा था, तभी मैंने पूछा, मैंने कहा और कोई बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा क्लास में, तुमसे पूछता हूँ। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे? गुड ग्रेट। तो हमारा के क्या बनेगा बच्चों, एम प्लस एक्स इंटू एक्स बाय सी माइनस, हाँ है ना बच्चों। क्लियर हुई ये चीज़ है नहीं हुई गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों, कोई भी डाउट? अब तुम मुझे बताओ, हम नॉर्मली एक्स को विद रिस्पेक्ट टू सी इग्नोर करते थे, नहीं करते थे? क्यों करते थे? रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जा रही है, यहां भी तो डेफिनेटली कम जाएगी क्योंकि कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो सी माइनस एक्स को तो सी हमें करना ही करना है, यहाँ पे देर इज नो अप्रोक्सीमेशन वाला केस, हम सी माइनस एक्स को हमेशा सी करेंगे ही करेंगे। एक और काम करेंगे हम एम प्लस एक्स को भी एम मान लेंगे, हम मान के चलेंगे जो सॉल्ट से कॉमन आयन आया वो काफी सर ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयन कमिंग फ्रॉम एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ वो रहा है सी माइनस एक्स वाला वापस समझा दीजिए। बेटा? मैं ही कह रहा हूँ सी माइनस एस को हम सी करते थे नॉर्मली, हाँ सर, यहाँ पे हम जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और कम है क्योंकि कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो अच्छा यहाँ पे ठीक तो, है सर, यहाँ पे तो एक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन सी। एक समझ काम गया कीजिए, सर। क्या बताई तुम्हें कि यहाँ पे हम सॉल्ट से जो कॉमन आयन आ रहा है वो बहुत ज्यादा मान रहे हैं एज कंपेयर टू द आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, वीक एसिड, मतलब यहाँ पे हम एक्स को वेरी वेरी लेस देन सी एंड एक्स को वेरी वेरी लेस देन एम मान के चल। क्लियर हुआ है नहीं, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ पे जो हमारा के बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स इंटू एम बाय सी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया? इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, एच प्लस आयन जो एक्स है, ए माइनस फ्रॉम सॉल्ट, ए माइनस हमने एच ए से नहीं ले रहे, इग्नोर कर रहे हैं, एच ए से जो ए माइनस आ रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, बाय बाय एच ए द एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज पक्का? किसी बच्चों को डाउट यहां तक बताओ मुझे बच्चों, बोलो पक्का क्लियर हो गया ना? ए माइनस हमने सॉल्ट वाला लिया है, ठीक है ना गाइस? गुड दैट इज नाइस। अब अल्फा की टर्म्स में अगर हम करना चाहते इंस्टेड ऑफ एस अल्फा की टर्म्स में करते तो क्या बनता इन टर्म्स ऑफ एल्फा? हम कहेंगे ये बनेगा सी माइनस सी एल्फा, ये बनेगा सी एल्फा और ये बनेगा सी एल्फा प्लस एम। ये मैं ये लिख रहा हूँ, एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस?
वहां पे अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बनता था, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बनता था, याद है? वन माइनस अल्फा इक्वल टू वन मान लो, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सी अल्फा को इग्नोर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एम, इस सी अल्फा को इग्नोर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू सी, क्लियर है? के हमारा क्या बनेगा बच्चे, ये सी अल्फा प्लस एम इंटू सी अल्फा बाय सी माइनस सी अल्फा। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बच्चों, सिंप्लीफाई होके, सी अल्फा इंटू एम बाय सी, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? तो अल्फा यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा व्हेन यू हैव गॉट अ कॉमन आयन प्रेजेंट इट इज के बाय एम, और वी कैन से के बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ए माइनस फ्रॉम सॉल्ट। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों को रेस्पॉन्ड करेगा कि सर समझ में आ गया है? आ गया सर। आ गया समझ में बच्चों? बच्चों यस सर। कोई डाउट नहीं? ग्रेट, वैसे ही करते आ रहे हैं, बस हमारे पास यहाँ पे प्रॉड साइड में एक कॉमन आयन प्रेजेंट है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और वो जो हमारा कॉमन आयन आ रहा है उसकी अमाउंट हम बहुत ज्यादा मान रहे हैं एज कंपेयर टू द आयन कमिंग फ्रॉम वीक एसिड या वीक बेस। क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? राइट, अब आते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर एक्चुअली वही चीज है जो अभी हमने पढ़ी है, बफर सॉल्यूशन इज द सेम स्टेप जो अभी हमने पढ़ा है। बफर की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं, अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज मच व्हेन एच प्लस और ओ एच माइनस इज एडेड टू इट। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड या बेस डालने पे देर इज वेरी लेस चेंज इन पीएच। तुमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर एसिड डालो या बेस डालो, देर इज वेरी लेस चेंज इन पीएच। एक चीज बता दूं मैं, पीएच में चेंज आता है लेकिन कम आता है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड, तो ये हमारा बफर बनता कब है? बफर बनता है, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन। यार अभी हमने यही तो देखा था, हाँ या ना? एसिड एंड सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। क्लियर है बच्चों? बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब तुम वीक एसिड एंड सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन ऐड कर देते हो, या वीक बेस एंड सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। क्लियर है बच्चों? तो हमारा दो तरह के बफर हो गए, एसिडिक बफर जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा बच्चों, एच ए प्लस बी ए। यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन कटायन है या अनायन है? कॉमन अनायन है। बेसिक बफर पे आते हैं, बी ओ एच प्लस बी कॉमन क्या है बच्चों, कटायन। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने ऊपर तुम्हें लिखवाया था कॉमन आयन, यहां पे तुम्हें कोई दिक्कत आ रही थी? बेस बेसिक अगर होता तो कॉमन आयन, चलो इसे कर लेंगे, छोड़ो अभी, इग्नोर इट। क्लियर है गाइस? नाउ लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर।
एसिडिक बफर से स्टार्ट करते हैं, अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे चीजों। एग्जाम्पल, वीक एसिड होना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। तुम एसिड, सपोजिंग तुम कहो HCl एंड NaCl, क्या वो बफर बना रहे हैं? HCl और NaCl, द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट अ बफर। या NaOH और NaCl, दैट इज नॉट अ बफर। यू नीड अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, या वीक बेस एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। क्या कह रहे हो बेटा? क्लियर है गाइस? BOH एंड BA, क्लियर हुआ है? नहीं हुआ बच्चों? अब यहां पे काम की चीज क्या है, तुम ध्यान से देखो। ये जो था, डू यू रियलाइज दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैं ये बताना चाह रहा हूं व्हाई दे आर रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। जैसे एग्जांपल लेते हैं एच ए और ए माइनस का। एच ए इज अ एसिड एंड ए माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस। पर क्लियर है या नहीं? एच ए एसिड और जो ए माइनस है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। मतलब हमने सॉल्यूशन ऐसा बनाया जिसमें एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट। अब अगर तुम इसमें एसिड डालोगे एक्सटर्नली, HCl डाल दिया, हमारे पास एच ए और ए माइनस का सॉल्यूशन था, ठीक है ना? एच ए वॉज द एसिड, ए माइनस वॉज द कॉन्जुगेट बेस। तुमने इसमें एक्सटर्नली HCl दे मारा, तो HCl किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी यहाँ पे? ए माइनस के साथ। तो तुम्हारा पीएच में चेंज कम आएगा, क्योंकि दैट एचसीएल विल रिएक्ट विद ए माइनस। अब सपोजिंग हम बेस ओएच माइनस डाल देते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? एचए के साथ। तो अगेन तुम्हारा जो ओएच माइनस है वो कंज्यूम हो गया ना रिएक्शन के अंदर, तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी वेरी लेस चेंज इन पीएच। अगर तुम एच प्लस ऐड करोगे, एच प्लस विल रिएक्ट विद ए माइनस। जब तक ए माइनस है तुम्हारा, इट विल नॉट, देर विल नॉट मच चेंज इन पी एच। जब तक ए माइनस है, एच प्लस डालोगे, देर विल रिएक्ट विद ए माइनस। क्लियर है बच्चों? एच प्लस प्लस ए माइनस विल गिव यू एच। और अगर मैं ओ एच माइनस डालता हूं इस बफर के अंदर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एच। तो तुम्हारा बेसिकली जो एक्सटर्नली एसिड या बेस डाल रहे हैं हम, वो क्या हो रहा है बच्चों? कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से जो पीएच में चेंज आएगा वो क्या आएगा बच्चों? नेग्लिजिबल आएगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? आएगा, चेंज आता है। इनफैक्ट हम देखेंगे कि पीएच में कितना चेंज आ रहा है, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है दैट इज लेस। क्लियर है बच्चों? वेरी नाइस, गुड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ऐसे ही बेसिक बफर के लिए भी सेम चल रहा है। हाँ बेटा, मैं बेसिक बफर के लिए भी लिख देता हूँ। हाँ बेटा, जस्ट अ सेकंड। अगर मैं H प्लस डाल रहा हूं तो किसके साथ ऐड करेगा बच्चों? अगर मैंने H प्लस डाला बेसिक बफर के अंदर तो किसके साथ ऐड करेगा बच्चों? बताओ मुझे। H प्लस हमने डाला, ये बेस और B प्लस इज द उसका कॉन्जुगेट पेयर। यहां पे मैंने H प्लस डाला, वो किसके साथ ऐड करेगा? बी ओ एच बी प्लस के सॉल्यूशन। बताओ बच्चों। एच प्लस अगर मैंने एक्सटर्नली डाला इस बफर के अंदर, बेसिक बफर, बी ओ एच के साथ ऐड करेगा।
बीस का आधा ऐड कट जाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? बी प्लस प्लस एच टू। और अगर मैं ओ एच माइनस डालता हूं तो किसके आधे ऐड करेगा वो? बी प्लस के आधे ऐड करेगा टू गिव अस बी ओ एच। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? मतलब इन एनी केस जो भी हम एच प्लस ओ एच माइनस डाल रहे हैं दैट इज रिएक्टिंग विद द कंटेंट्स ऑफ द बफर एंड देयर इज नो चेंज इन पीएच या नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। यहां मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, नोट इंफॉर्मेशन नोट, पीएच ऑफ नॉर्मल ब्लड इज 7.4। हाँ बेटा क्वेश्चन आ जाता है उसके, ब्लड इज एसिडिक या बेसिक बफर, ठीक है ना बच्चों? ऐसे आ जाता है, इज अ बफर ऑफ सेवन पॉइंट फोर बेटा। क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं हाउ टू फाइंड आउट पीएच ऑफ बफर, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बच्चों भाई हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, बफर सॉल्यूशन ले रखा है, उसका कुछ पीएच है और वो पीएच ज्यादा मूव नहीं करता जब हम एसिड या बेस डाल करते हैं। हम कहेंगे यार अभी हमने कॉमन आयन में देखा था, क्या देखा था बच्चों? के इज एच प्लस इंटू ए माइनस बाय एच ए, हाँ है ना? यहाँ पे हम एच ए लेते हैं एसिड से, ए माइनस लेते हैं सॉल्ट से बच्चों। तो गाइज यहां से जब पीएच का फॉर्मूला देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी पी के ए प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। क्लियर है या नहीं? लॉग ले लो, माइनस लॉग दोनों साइड में, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट। ये ए माइनस है फ्रॉम सॉल्ट और एच ए है एस। फॉर्मूला क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ बेटा, हाँ बोलो, हाँ बेटा, हाँ खाली एम ले रहे, एम प्लस एक्स की जगह हमने एम लिया, ठीक है ना बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? अब आते हैं बेसिक बफर पे, ये एसिडिक बफर वाला क्या अभी तक नोट ही नहीं हुआ क्या? हाँ बेटा नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, देन विल गो अहेड। राइट, दिस फॉर एसिडिक बफर, कर लिया बच्चों? अब बेसिक बफर पे आते हैं, बी ओ एच गिविंग बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, ये एम था, बी प्लस ऑलरेडी आ रहा है, कहां से आ रहा है? सॉल्ट से। ये सी था, सी माइनस एक्स एम प्लस एक्स एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली एम है, ये अप्रोक्सीमेटली सी है। के बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? मैं पहले ओ एच माइनस लिखता हूँ, ओ एच माइनस इंटू बी प्लस बाय बी ओ एच, ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारा बी प्लस कहाँ से देख रहे हैं बच्चों हम? सॉल्ट से। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? एक मिनट रुको बच्चों, हाँ तो बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, समबडी रेस्पॉन्ड विद यस सर। हो गई सर, क्लियर है। तो पीओएच क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी के बी प्लस लॉग बी प्लस बाय बी ओ एच,
समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? बी प्लस फ्रॉम सॉल्ट एंड बी ओ एच बींग योर बेस, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अच्छा जैसे हमने एसिडिक बफर के लिए अल्फा देखा था, बेसिक बफर के लिए अल्फा में तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना बच्चों? एंड वहां पे हमारे पास क्या होता था कि बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस वॉज एल्फा, हाँ है ना? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। यू हैड दिस, एल्फा क्या था बच्चों? के बाय ए माइनस कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा बेसिक बफर के लिए? के बी बाय बी प्लस कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर अल्फा। वे कोई डाउट किसी बच्चों यहाँ? क्लियर है गाइस? अल्फा ऐसे निकल के आता है, और बाकी मैंने तुम्हें एसिड या बेसिक बफर में पीएच या पीओएच का फॉर्मूला दे चुका। कोई भी डाउट किसी की भी बच्चे को, बच्चों बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? सब बच्चों को क्लियर है? गुड। दीज इक्वेशन आर नोन एज, क्वेश्चन हाँ, हैंडरसन हाँ, क्लियर बच्चों? गाइस अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बच गई है, शांति से सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ बफर व्हेन एसिड और बेस इज एडिड टू, ठीक है बच्चों? अभी हमने देखा था एसिडिक बफर हमने बना दिया, उसका पीएच क्या है। अब उसमें एच प्लस या ओ एच माइनस डालोगे, जो हम कहते हैं ना, इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, बट देर विल बी सम चेंज, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट न्यू पीएच। डेल्टा भी नहीं निकाल रहे हम, पीएच न्यू देखना चाह रहे हैं, डेल्टा का बाद में देख लें। क्लियर है गाइस? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द न्यू पीएच व्हेन अ एसिड और बेस इज एडेड टू बफर। क्लियर है बच्चों? तो पहले एसिडिक बफर पे आते, बच्चों देखो, पहले मैं एक चीज बताऊंगा गाइस, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेक, बिफोर यू गो ऑन टू एसिडिक बफर, देयर इज समथिंग यू नीड टू नो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये बीच में एक टॉपिक करवा रहा हूं मैं, ऑन बफर। गाइस अगर तुम वीक एसिड या वीक बेस में वाटर ऐड करते हो, पीएच कहाँ जाता है? सर जब वीक एसिड या वीक बेस में डाइल्यूशन करते हो, पानी डालते हो, पीएच कहाँ जाता है? सेवन की तरफ सेवन की जाता तरफ जाता है। यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ, हम कहेंगे क्या फॉर्मूला था हमारा, के है। के एक्सप्रेशन में देखते हैं, एच प्लस ए माइनस फ्रॉम सॉल्ट बाय एच फ्रॉम एसिड, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये होता था, नहीं होता था हमारा? अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, यहाँ पे एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन या पीएच के फॉर्मूले में देख लो, जो था पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, ये था या नहीं था? उसको देखते हैं, बल्कि इसके बजाय भी मैं वो वाला दिखाता हूँ, मैं लिख देता हूँ राजा, ये था हमारा पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, हाँ है ना? गाइस मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए माइनस और एच की हमें क्या लेनी चाहिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह क्या मैं, बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं, ए माइनस बाय एच है हमारा, यहाँ पे हमें ए माइनस और एच की क्या लेनी है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। बट डू यू रियलाइज यहाँ पे मोल्स बाय वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, डू यू रियलाइज यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म कैंसिल आउट होगी, क्योंकि यू विल हैव मोल्स ऑफ ए माइनस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ एच ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम की टर्म कट रही है। तो पहली काम की चीज, इंस्टेड ऑफ मोल्स, इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी,
instead of concentration, you can take moles. हाँ बेटा, ये हर बार, हाँ इस एक्सप्रेशन में बी कैंसिल आउट हो जाएगा हर बार। तो पहली चीज कंसंट्रेशन की बजाय यू कैन इवन टेक मोल्स, क्लियर है बच्चों? वॉल्यूम टर्म इज गेटिंग कैंसिल आउट, पहली चीज। कोई डाउट किसी बच्चों के यहाँ? कंसंट्रेशन की बजाय तुम यहाँ पे मोल्स भी ले सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे तुम्हें एसिड की तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है और सॉल्ट के मोल्स दे रखे हैं जो हमने डाला। तो आइडिया इज के रेदर देन फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट सॉल्ट जो तुमने डाला है, यू कैन फाइंड आउट द मोल एंड यूज इट इन द एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 0.2 मोलर HA है, वॉल्यूम 2 लीटर है। अब उसमें 0.2 मोल्स BA डाला, नहीं 0.2 मोलर एच ए था, वॉल्यूम 2 लीटर था, उसमें हमने 0.2 मोल्स BA डाला। तुम यहां पे याद हो, तुम देखो HA की तो कंसंट्रेशन तुम्हें पता ही है कितनी है, 0.2। या तुम कंसंट्रेशन ऑफ BA निकालो जो कि क्या आएगा, 0.2/2। क्लियर है बच्चों? मेरे कंसंट्रेशन एच की तो पता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी ए ले लिया और हमने इस एक्सप्रेशन में ए माइनस बाई बी एच ए में डाल दिया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? ए माइनस बाई एच ए के एक्सप्रेशन में हमने कंसंट्रेशन टर्म डाल दिया। या फिर इसको हम ये भी कर सकते थे, ए माइनस कितना है बच्चों, 0.2 मोल, हाँ है ना? तो यहाँ पे अब हम ए माइनस और एच ए के क्या ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी आर टेकिंग मोल्स। एच ए के मोल्स ए माइनस के तो हमारे 0.2 आ गए, और एच ए के मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.2 × 2। गेटिंग द आइडिया नाउ? मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंसंट्रेशन वी आर टेकिंग मोल्स। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने किया था 0.2/2/0.2। एक्सप्रेशन सेम है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी कैन टेक मोल्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? पक्का? गुड। और दूसरी चीज बच्चों, यहीं से एक और चीज रिलेट होती है यार, अगर वॉल्यूम की टर्म कट रही है तो वॉल्यूम ऐड करने पे इज देयर गोइंग टू बी एनी चेंज इन पीएच? बच्चों बताओगे? नो चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन फॉर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के लिए देयर इज नो चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन। वॉल्यूम की टर्म आई नहीं, डाइल्यूशन में होता क्या है, वॉल्यूम की टर्म बढ़ रही होती। क्लियर है गाइस? पक्का हर एक बच्चे को क्लियर हो गई ये चीज? दैट इज वेरी नाइस। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब लेट अस कंटिन्यू विद जो हमारा पार्ट हमने छोड़ा था। नहीं नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ओके ग्रेट। नाउ यू आर सीइंग द पार्ट जहां पे हम एसिड या बेस डाल रहे होते हैं बफर के अंदर। लॉजिक सिंपल है गाइस। अभी हमने रिएक्शन देखी थी, क्या देखी थी बच्चों रिएक्शन, जहां पे तुम्हारा एसिडिक बफर के अंदर एच प्लस या ओ एच माइनस डाल। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं, एच ए है, ए माइनस है, ठीक है ना बच्चों? ये सी है, ये एम, राइट गाइस? एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिक बफर। मैं लिख दूं क्या इसे कहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक बफर। सुनते आओ बच्चों, एच ए है हमारे पास और क्या है, ए माइनस, ये एम है, ये सी है। अब बच्चों पहला H प्लस इज एडेड, H प्लस हमने कितना ऐड किया बच्चों, Y मोल्स, Y मोल्स बच्चों, या Y कंसंट्रेशन लेते हैं कि Y कंसंट्रेशन हमारा H प्लस ऐड किया, ठीक है ना बच्चों? मोल्स भी ले सकते थे हम, राइट, कि वॉल्यूम की टर्म कट रही है, लेकिन फिर हमें मोल्स सारे के लेने पड़ेंगे। एच ए और ए माइनस की भी हमें क्या देखना पड़ेंगे बच्चों, मोल्स।
गैस यहां पे क्या होता है, एक्सप्रेस किसके आदि ऐड करता है, ए माइनस के आदि ऐड करेगा, एच प्लस विल रिएक्ट विद ए माइनस टू गिव एच। हम कहेंगे रिएक्शन कर दो, पूरी खत्म कर दो रिएक्शन, कंज्यूम ऑल द एक्सटर्नली एडेड एच प्लस, जितना तुमने एक्सटर्नली एच प्लस ऐड किया है वो सारा का सारा खत्म करवा दो ए माइनस के साथ। अब मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे एक ऑब्वियस सी चीज है, मैं मान के चल रहा हूं कि एच प्लस इज लेस देन ए माइनस, क्योंकि अगर ए माइनस ही पूरा खत्म हो गया तो बफर ही नहीं बचा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैं मान के चल रहा हूं जो हमने एसिड या बेस हम डाल रहे हैं बफर में, दैट इज लेस देन एच ए एंड ए माइनस। क्लियर है यहां तक? खत्म हो जाएगा ये ए माइनस, कितना था एम, ये था सी, ये हमने डाला वाई बच। क्लियर है? खत्म कर दो रिएक्शन। ए माइनस कितना बचे बच्चों? अब हमारे पास एक नया बफर बन चुका है, हमारे पास क्या बन चुका है, नया बफर बन चुका है जहां पे एच की कंसंट्रेशन कितनी है, सी प्लस वाई, ए माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, एम माइनस वाई। अब ये एक बफर है, पीएच निकाल लो इसका। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? यहाँ पे पी एच विल बी इक्वल टू पी के प्लस लॉग एम माइनस वाई बाय सी प्लस वाई। क्लियर हुआ या नहीं? सपोजिंग हम ओ एच माइनस डालते हैं, अगेन वाई मोलर ले रहा हूं मैं, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। हम कहेंगे ओ एच माइनस विल रिएक्ट विद एच ए टू गिव H2O प्लस ए माइनस। क्लियर है बच्चों? यहां पे एच ए कितना था, सी, ए माइनस कितना था, एम, ये हमने डाला वाई, सी माइनस वाई बनाए और ये एम प्लस वाई। सर थोड़ा ऊपर कर, नाउ वी हैव गॉट अ न्यू बफर जहां पे ए माइनस एम प्लस वाई है और एच ए सी माइनस वाई है। पीएच क्या बन जाएगा बच्चों? मतलब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं तरीका तुम्हें आना चाहिए करने का। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो, क्लियर है गाइस? डाउट तो नहीं है सर, क्लास जल्दी खत्म कर दो सर। ना बेटा ऐसी चीज ना बोला आप, आई डोंट वांट दैट ऑन रिकॉर्ड। हाँ बेटा, अरे कोई बात नहीं यार, छोड़ो उसको, अभी जरा ध्यान दो बच्चों। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। क्लियर है बच्चों? गुड। और यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों को? चलो ये काम करते हैं, अब आते हैं बेसिक बफर पे। ये तुम खुद एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो, मैं लिख रहा हूं। बेसिक बफर में हमारे पास क्या है, बी ओ एच एंड बी प्लस। पहला लेते हैं एसिड इज एडेड, पहला लेते हैं ए, एसिड इज एडेड, एच प्लस इज एडेड, हाँ वाई ले रहे। एच प्लस किसके आधे ऐड करेगा बच्चों? बी ओ एच के आधे ऐड करेगा। ये हो गॉट अ बफर एंड विल से यहाँ पे पी ओ एच विल बी इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग एम प्लस वाई बाय सी माइनस यस। हाँ ओ एच माइनस किसके साथ ऐड करेगा, बी प्लस के साथ। बच्चों प्लीज आवाज नीचे मुझे।
ठीक है गाइस, एक यहाँ पे जो कि फॉर्मूले से देखना थोड़ा मुश्किल है, वैसे आइडेंटिफाई करना आसान। एच ए फॉर्मूले हमारे हो गए, एच ए और ए माइनस, अगर एच प्लस ऐड करते हैं एक्सटर्नली तो पीएच पे क्या फर्क पड़ना चाहिए बच्चों? यार एच प्लस डाल रहे हो, पीएच शुड डेफिनेटली डिक्रीज, हाँ या ना? पीएच डिक्रीज एक्सटर्नली एक्सटर्नली ऐड किया, ओएच माइनस डालोगे पीएच इंक्रीज कर जाएगा। बेसिक है, एच प्लस डालोगे पीएच डिक्रीज, ओएच माइनस डालोगे पीएच इंक्रीज। बीओएच और बी प्लस के सॉल्यूशन में अगर एच प्लस डालोगे, तरीका वही है, ऑब्वियस सी बात है कि एच प्लस डालोगे तो पीएच विल डिक्रीज, और ओएच माइनस डालोगे एक्सटर्नली पीएच विल इंक्रीज। डेल्टा पीएच क्या है फॉर एसिडिक बफर? तो बिफोर आफ्टर बफर माइनस बिफोर बफर हो गया। हाँ, डेल्टा पीएच फॉर वन एसिडिक बफर। बच्चों यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करोगे, तुम्हें के की वैल्यू चाहिए ही नहीं क्योंकि पी के दोनों में से कटेगा। डेल्टा पीएच होता क्या बाय द वे? पीएच न्यू माइनस पीएच ओल्ड। क्लियर है गाइस? तुम्हारा डेल्टा पीएच यहां से क्या आ जाएगा? लॉग ए माइनस बाय एच ए न्यू बाय ए माइनस बाय एच ए ओल्ड। क्लियर है गाइस? बेसिकली इट वॉज लॉग ए माइनस बाय एच ए न्यू माइनस लॉग ए माइनस बाय एच ए ओल्ड। तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय डेल्टा पी ओ एच होगा पहली चीज, तो विल बी लॉग बी प्लस बाय बी ओ एच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को इसमें कोई डाउट है? अब एक पैराग्राफ और रह गया है, उसको ध्यान से समझे। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? पहली चीज तो ये समझो, नो सर। देर इज नो नीड, मैं इधर लिखता हूं, नो नीड ऑफ के और केवी फॉर डेल्टा पीएच और लेट अस से डेल्टा पीओएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे डेल्टा ऑफ पीओएच, डू यू रियलाइज इट विल बी माइनस डेल्टा ऑफ पीएच? ये और बताओ पहले, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज 14, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा ऑफ पीएच। बच्चों हाँ, ज्यादातर पीएच का ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया है कि डेल्टा पीएच इज माइनस डेल्टा पीएच। क्लियर है गाइस कि पीएच प्लस पीओएच इज 14? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अच्छा बिफोर आई गो ऑन द पैराग्राफ जो मुझे बताना है, एक काम की चीज बच्चों, हमारे पास एच ए ए माइनस है। बच्चों सुन दे आओ प्लीज, पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच ए है, ए माइनस है, इसमें हमने एच प्लस ऐड किया, और एच प्लस हमने किससे ज्यादा ऐड किया बच्चों? मोर देन, मैं काम करता हूँ वैल्यू उठाता हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेटर फील आएगी। ये 0.2 है, ये 0.2 है, ओके बच्चों? अब हमने
एच प्लस ऐड किया 0.4, मतलब एच प्लस को किससे रिएक्ट करना था बच्चों, ए माइनस से रिएक्ट करना था नहीं करना था, और ये तो ए माइनस से भी ज्यादा अमाउंट में है, तुम्हारे पास बचेगा क्या? डू यू रियलाइज ये एच प्लस पूरे ए माइनस को कंज्यूम कर देगा और फिर भी बचा रह जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है गाइस? तो हमारे पास बचेगा क्या, एच प्लस कितना बचेगा, रिएक्शन करो ए माइनस के साथ गिविंग एच ए, डू यू रियलाइज तुम्हारे पास सॉल्यूशन में एच प्लस बचेगा और एच ए बचेगा, हाँ है ना, एच ए कितना बचेगा, ये चीज समझ आई नहीं आई, कैसे आया ये? हमने कहा एच प्लस प्लस ए माइनस गिविंग एच, हाँ है ना, ये 0.4 था, ये 0.2 था, ये 0.2 था, हमने पूरा कंज्यूम करवा दिया, ये बचा 0.2, ये बन गया 0.4। यहाँ पे डू यू रियलाइज ये किस चीज का केस बन रहा है, सुनते हो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में रिपीट नहीं करूंगा तो ध्यान से सुन। हमने बफर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वी हैव डिस्ट्रॉयड द बफर इन अ वे कि हमारा ए माइनस बचा ही नहीं रिएक्शन, अब हमारे पास क्या बचा है, एच प्लस और एच, वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एच प्लस का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारे पास क्या बचा है, एच ए एंड एच प्लस, ये एक तरीके से कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या है, अभी तक हमने क्या करा था, एच ए एंड ए माइनस, ए माइनस वॉज द कॉमन आयन, यहाँ पे एच ए एंड एच प्लस इज द कॉमन आयन, कोई पीएच तुमसे नहीं पूछना चाहेगा, पीएच पूछेगा हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ आ रहा है बच्चों, हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, हमें क्या बचा है बच्चों, हमारे पास एच ए है और एच प्लस है, हाँ है ना, हमारा ये कितना था 0.2 और ये कितना है बच्चों 0.4, हम कहेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड 0.2 है, वीक एसिड से तो बहुत कम एच प्लस आता है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, वीक एसिड से तो बहुत कम एच प्लस आ रहा होता है, तो वी कैन सिंपली इग्नोर एच प्लस फ्रॉम एच ए इज इग्नोर्ड, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? यहां पे अगर कोई पूछेगा कि पीएच क्या है, हम कहेंगे माइनस लॉग 0.2, क्वेश्चन खत्म, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, पीएच पूछेगा हम कहेंगे भाई एच प्लस ये है, यहां से जो एच प्लस आ रहा है दैट इज वेरी वेरी लेस, इट कैन बी इग्नोर्ड, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बताओ, पक्का क्लियर हो गया? तो हमने एच ए से जो एच प्लस आ रहा था वो इग्नोर कर दिया, यहाँ पे कोई पूछेगा हमसे ज्यादा से ज्यादा एच प्लस तो पूछा नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें तो एच ए का यूज ही नहीं आ रहा, हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सोच के बताओ, डू यू रियलाइज के ए इज एच प्लस इंटू ए माइनस बाय एच, ये होता है नहीं होता है बच्चों, हाँ है ना, अब हमारे पास सॉल्यूशन में बचा क्या है, एच ए बचा है 0.4, एच प्लस है 0.2, तो ए माइनस निकाल लोगे नहीं निकालोगे, कुछ क्लैरिटी आई है, पहले ये बताओ, आ गया, मतलब जैसे ये वैसा ही कॉमन आयन है, उस वक्त हमारे पास क्या होता था, एच ए होता था, ए माइनस होता था और एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन पूछी की जाती थी, यहां पे हमारे पास एच ए है, एच प्लस है और ए माइनस आयन कंसेंट्रेशन, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई, पक्का क्लियर हो गया? अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं एच ए और ए माइनस में ओ एच माइनस डाल देता हूं एक्स्ट्रा, ओ एच माइनस एक्सटर्नली ऐड कर देता हूं और ज्यादा ऐड कर देता हूं, क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये 0.2, ये 0.2 और ये हमने डाल दिया 0.2, क्या बचेगा बच्चों बताओ मुझे, ओ एच माइनस एच ए के साथ ऐड करके ए माइनस बनाएगा, हाँ है ना, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ए माइनस और ओ एच माइनस बचेगा, हाँ है ना, ये पक्का क्लियर है, ये 0.2 था, ये हमारा 0.4 था, ये 0.2, हमने पूरा ये खत्म कर दिया एच ए,
ये ओ एच माइनस 0.2 है, ए माइनस कितना है 0.4 है, एंड ए माइनस कोई नई चीज नहीं है, ए माइनस इज अ बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ए माइनस इज अ बेस, एक बेस दे रखा है, दूसरा बेस दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? वी आर गिवन टू बेसिस, अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से ओ एच माइनस 0.2 है, वीक बेस की कंसंट्रेशन 0.4 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? कुछ क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है? ए माइनस इज अ बेस, जैसे वहां पे था ना एच एच ए वॉज एसिड एंड एच प्लस वॉज ऑल्सो देयर, यहाँ पे तुम्हारे पास ए माइनस बेस है और ओ एच माइनस भी है एक्स्ट्रा जो हमारे पास पड़ा है, तो यहाँ पे तुमसे ओ एच माइनस कोई नहीं पूछेगा। ओ एच माइनस पूछे सीधा माइनस लॉग, मतलब ओ एच माइनस इज 0.2, माइनस लॉग 0.2 विल बी पी ओ एच, पी एच आ जाए। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे? यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तुमसे तो वो क्या पूछेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ, हमारे पास बचा क्या है, ए माइनस और ओ एच माइनस। हमें अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ये बेस है तो बेस की रिएक्शन इसकी क्या होगी, ए माइनस, ये होगी रिएक्शन, बेस की रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ से? यहाँ पे ए माइनस 0.4 है, होल्ड ऑन, ए माइनस 0.4 है, एच ए कितना है, ओ एच कितना है 0. माइनस एक्स एक्स 0.2 प्लस एक्स, ये इग्नोर ये इग्नोर। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे? ये वैसा ही है जैसे हमने देखा नहीं था बच्चों, बेसिक बफर के अंदर जो हमारा कॉमन आयन जो है बेसिकली वही काम, एक्सेप्ट कि हमारे पास पहले कॉमन आयन ज्यादातर क्या होता था बच्चों, जो कॉमन आयन बेसिक बफर में हमारा क्या होता था, बच्चे कहेंगे सर ब्लैंक हो गया, हो गए ब्लैंक, मतलब मैं ही बताना चाह रहा हूँ सिंपली कि नॉर्मली बेस में हमारा जो कॉमन आयन होता था वो बी प्लस होता था, राइट, क्लियर है बच्चों? नॉर्मली बेस से बेस अगर तुम लेते हो तो उसमें कॉमन आयन क्या होता है, बी प्लस। यहाँ पे हमारे पास इसको बी प्लस ट्रीट करो, दिस इज बी प्लस, सॉरी बी ओ एच गिविंग बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, इसको कैसे ट्रीट करो फिर से बताता हूँ, बी ओ एच गिविंग बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। अभी हमारे पास कॉमन आयन बी प्लस नहीं है, कॉमन आयन क्या है, ओ एच माइनस आयन। कंसेंट्रेशन पूछी जाएगी तो बी प्लस की पूछी जाएगी, विच इज नथिंग बट एच। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है नहीं आ रहा, सेकेंड वाले में इस वाले में दिक्कत आई होगी, पहले वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, हाँ है ना, नोट लिखो, दैट्स इट नोट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बफर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, हाउ टू सॉल्व, बफर में या तो एच ए पूरा कंज्यूम हो गया या ए माइनस पूरा कंज्यूम, तो क्या करना है, मैं वो बताना चाह रहा हूं, क्लियर है गाइस? अगर तुम्हारे पास एसिडिक बफर है, एच ए या ए माइनस है, और मैंने एच प्लस या ओ एच माइनस ज्यादा डाल दिया, मोर देन एच ए या ए माइनस, तो क्या करना है, तो पीएच कैसे निकालना है? पीएच के लिए हम सीधा क्या करेंगे, वी विल जस्ट लुक एट द, जैसे अगर हमें एसिड के लिए देखना है तो हम कहेंगे एच ए भी है एच प्लस भी है, तो एच ए का कॉन्ट्रीब्यूशन इज इग्नोर्ड, पीएच सीधा निकल के आ जाएगा कहां से, एच प्लस। ऐसे ही जब तुम ओ एच माइनस डालोगे तो हमारे पास दो है, ओ एच माइनस भी बच गया और ए माइनस भी बन गया, तो ए माइनस से जो ओ एच माइनस आ रहा है, जो ए माइनस से ओ एच माइनस आ रहा है, ये भी बेस ये भी बेस, हम ओ एच माइनस का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए माइनस इग्नोर करेंगे, क्लियर है या नहीं बच्चों? जो ओ एच माइनस ए माइनस से आ रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्लियर है या नहीं, पक्का? लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, एच ए और ए माइनस है, वी हैव गॉट एच ए एंड ए माइनस, तुमने उसमें एच प्लस बहुत ज्यादा डाल दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया, पूरा ए माइनस कंज्यूम हो गया, बचा गया फाइनली एच ए एंड एच प्लस, क्लियर है? अब जो ये दोनों एसिड है, एच प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एच ए मतलब वीक एसिड, पीएच पूछ रहा है एच ए, भूल जाओ, जो एच प्लस है उसका माइनस लॉग ले। ऐसे तुमने ओ एच माइनस ज्यादा डाल दिया, तुम्हारे पास ओ एच माइनस बचा रह जाएगा, ए माइनस बचा रह जाए, ए माइनस जो खुद एक वीक बेस है और ओ एच माइनस, तो हम कहेंगे यार स्ट्रॉन्ग बेस जो ओ एच माइनस है उसी का माइनस लॉग ले लो, पी ओ एच आ जाएगा,
तो दोनों ही बेस है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक बेस इज इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग बेस। ए माइनस और ओ एच माइनस में जो ओ एच माइनस से जो कंसेंट्रेशन है, ओ एच माइनस की जो कंसेंट्रेशन है उसी का माइनस लॉग ले, यू विल गेट पी ओ एच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलो, स्पीक राइट। हो गया क्लियर? पक्का? पीएच और पीओएच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तुम्हारे पास सॉल्यूशन के अंदर, तो वीक एसिड का कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। सिमिलरली वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों प्रेजेंट है, तो वीक बेस से जो ओ एच माइनस आ रहा है दैट इज इक्वल। क्लियर हो गई ये चीज? ओके नो। अब बफर सॉल्यूशन, इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड इफ ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। हमें पता है इस पे पीएच चेंज होता है, माइल्डली चेंज होता है ना बच्चों? इट्स पीएच चेंजेस बाय प्लस माइनस 1 मिनट। मैं तो तुम्हें बफर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करवा रहा था क्या, कि तुम्हारा एच आई माइनस खत्म ही हो गया? हम वैसे ही कह देते हैं बफर इज डिस्ट्रॉयड अगर पीएच प्लस माइनस 1 यूनिट से चेंज आता है। क्लियर है गाइस? मतलब अभी एच ए माइनस प्रेजेंट ही होगा, लेकिन अगर बफर का पीएच प्लस माइनस 1 यूनिट से चेंज कर गया तो हम क्या कहेंगे? बफर इज डिस्ट्रॉयड बच्चों। तो बेसिकली इफ पीएच वाज इनिशियली पी के ए, मैं मान के चल रहा हूं इफ पीएच वाज पी के, इनिशियल पीएच ऑफ बफर वाज, इफ इनिशियल पीएच वॉज इक्वल टू पी के। क्लियर है बच्चों? अगर इनिशियल पीएच पी के ए के बराबर था तो पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस माइनस 1 पे बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बेसिकली प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी कब? प्लस माइनस 1 क्या होता था बच्चों? ए माइनस बाय एच ए होता था, लॉग ए माइनस बाय एच ए। हाँ है ना? ये जो 1 है ये क्या है? लॉग एच प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए होता था ये। हाँ है ना? तो ए माइनस बाय एच ए या बी प्लस बाय बी ओ, इसकी वैल्यू अगर 10 या 1/10 हो जाएगी, 10 और 1/10, तो हमारा बफर इज सेट टू बी डिस्ट्रॉय। क्लियर है या नहीं बच्चों? 10 होगा तो पी एच विल बी इक्वल टू पी के प्लस 1, 1/10 होगा तो पी एच विल बी इक्वल टू पी के माइनस 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक लास्ट स्टेटमेंट और लिख लो, काम की चीज है गाइस। बच्चों शांति। हाँ बेटा, और नहीं या तो ये, हाँ मतलब एसिडिक बफर के लिए ये 10 या 1/10 होगा, बेसिक बफर के लिए ये 10 या 1/10। क्लियर है बच्चों? गुड। और यहाँ पे बेसिक बफर के लिए क्या था? पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों? बफर कैपेसिटी बता रहा हूं, और बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी सुनते आओ बच्चों, बफर कैपेसिटी सुनते आओ बच्चों। क्या हो गया, थक गए? नहीं, अभी नहीं थके हो जैसे सर। बच्चों प्लीज शांति। अभी बफर कैपेसिटी एक स्टेटमेंट बतानी, दैट्स इट। बच्चों शांति। बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज पीएच ऑफ बफर बाय 1 यूनिट। क्लियर है बच्चों? मतलब बफर कैपेसिटी बीटा कैन बी रिटन एज मोल्स एडेड बाय चेंज इन पीएच। तो अगर एक ऑब्वियसली चीज है, सुनते आओ बच्चों, अगर हमारा बफर कैपेसिटी ज्यादा है
तो बफर मतलब चेंज इन पीएच आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? इफ बीटा इज मोर पीएच में चेंज, बच्चों एक चीज समझो, बीटा बीटा इज मोर मतलब बीटा बफर के बैसी ज्यादा है, इसका मतलब चेंज इन पीएच आसानी से होगा या मुश्किल से होगा? बीटा इज मोर का मतलब है मोर मोल्स ऑफ एसिड और बेस हैव टू बी एडेड टू चेंज द पीएच बाय वन। बीटा के बीटा जो है हमारा बफर कैपेसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब मोर मोल्स ऑफ एसिड और बेस हैव टू बी एडेड टू चेंज द पीएच। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे मैं लिख देता हूं मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। हाँ है ना, क्लियर है गाइस? मोर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। क्लियर है गाइस? तो बीटा इज मैक्सिमम फॉर व्हेन, रेदर बीटा इज मैक्सिमम व्हेन पीएच इज इक्वल टू पीके फॉर एसिडिक बफर। एंड POH इज इक्वल टू पी के बी फॉर बेसिक बफर। क्लियर है बच्चों? एसिडिक बफर के लिए ये जो पीएच इक्वल टू पी के कब आएगा, पीएच इक्वल टू पी के कब आएगा, जब ए माइनस बाय एच ए की वैल्यू क्या है, वन। क्लियर है बच्चों? ये कब है, जब एच ए इज इक्वल टू ए माइनस, जितना एच ए है उतना ही ए माइनस है। और ये कब आएगा, तो हमारा लॉग वन क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। क्लियर है गाइस? ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, पी एच इक्वल टू पी के फॉर एसिडिक बफर। ये हमारा इस पॉइंट पे जब हमारा एच ए और ए माइनस की कंसंट्रेशन सेम है, तब तुम्हारा सुनते आओ बच्चों प्लीज हियर मी आउट, एच ए और ए माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है तब इट हैज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, इट हैज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। जो रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, इसको कर्व्स में हम आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। एंड सिमिलरली जब पीओएच इक्वल टू पीके भी है बेसिक बफर के लिए, देयर इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच, उस वक्त बीओएच इज इक्वल टू बी प्लस आयन कंसंट्रेशन, जितने बीओएच के मोल्स है उतने ही बी प्लस के मोल्स। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक? ओके गुड।